मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण सोपान। टॉपिक है हमारा एक जैसे शब्द। बच्चों एक जैसे शब्द, एक जैसे एक ही शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। उनका मीनिंग सेम होता है, उनका जो अर्थ होता है वो एक जैसा होता है। चित्र देखो और शब्दों को पढ़ो। एक ही चित्र के लिए हमने दो शब्द लिखे हैं, दोनों का शब्द मतलब जो है वो एक ही है। जैसे सूरज, सूर्य, चांद, चंद्रमा, आकाश, आसमान, पक्षी, चिड़िया, पेड़ को हम क्या बोलते हैं, वृक्ष भी बोल सकते हैं, पर्वत, पहाड़, हिरण, मृग, पानी, जल, बाग, उपवन, जंगल, वन, सागर, समुद्र, बगुला, वक, बेल, लता, गाय, गौ, शेर, सिंह, पुत्र, बेटा, आदमी, नर, माँ, माता, पत्र, चिट्ठी, दोस्त, मित्र, औरत, नारी, नाव, नौका, शरीर, देह, कृष्ण, कन्हैया, सांप, नाग, गहना, जेवर, धन, दौलत, झंडा, ध्वज, साधु और मुनि। तो बच्चों हमने ये पढ़े एक जैसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा है, सिर्फ शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही है और शब्द अलग अलग है। जिस तरह हम साधु भी बोल सकते हैं उसको, उनको हम मुनि भी कह सकते हैं, झंडा भी बोल सकते हैं उसको हम ध्वज भी कह सकते हैं। देखो बच्चों लिखा है रंगीन शब्दों की जगह एक जैसे मतलब वाले शब्द लिखकर वाक्य दोबारा बनाओ। सूरज हमें जीवन देता है, तो अभी हमने पढ़ा सूरज को हम क्या कह सकते हैं, और सूर्य, सूर्य हमें जीवन देता है। एक बेल पेड़ के ऊपर चढ़ गई, तो अभी हमने पढ़ा बेल, तो बेल को क्या बोलेंगे, लता। पेड़ वृक्ष, यानी एक लता वृक्ष के ऊपर चढ़ गई। शेर ने हिरण का शिकार किया, सिंह ने मृग का शिकार किया। कल मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, कल मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की। लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लहराने लगा, तो झंडे को हम और क्या बोल सकते हैं, ध्वज। ये बच्चों आपको स्वयं खुद करना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये एक जैसे शब्द का विषय समझ में आया होगा। धन्यवाद।